यस स्टूडेंट्स सो अगेन स्टार्टिंग अपर दैट इज वी व लास्ट टॉपिक दैट वॉज स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन ठीक है सो so, हमारी बॉडी जो है इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव अगेंस्ट सर्टन स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैथोजेंस और इट रिएक्ट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर दैट इट किल्स दम ऑफ एंड इट वॉट्स दम ऑफ ठीक है दट इज द इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी द इम्यून सिस्टम Of our body reacts against specific microbes. Recognize them and किल दैम ठीक है नेक्स्ट इम्यूनिटी इज द एबिलिटी इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू रेजिस्ट द डिजीज It can be inborn or acquired after birth. TK okay, next is vaccination is a way of providing immunity. To a healthy person by giving vaccines and chronic diseases like smallpox, comma, <coughs> polio. एक्सेट्रा हैव बीन इरेडिकेटेड बाय वैक्सीनेशन है ओके सो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन में आ जाएगा द इम्यून सिस्टम ऑफ अर बॉडी रिएक्ट अगेंस्ट द स्पेसिफिक माइक्रोब्स रिकोगनाइज देम एंड किल देम ठीक है हमारा जो इम्यून सिस्टम है आ, आ, वो मेमोरी बेस्ड होता है ठीक है मेमोरी बेस्ड ऐसे होता है कि जब कभी भी हमारी बॉडी में फ़र्स्ट इन्वेजन होता है किसी डिजीज़ का या किसी ऑर्गेनिज़म का ठीक है तो हमारी बॉडी जो है उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज़म के प्रति जो है कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़ ठीक है और वो उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल ऑफ़ कर देती है लेटर ऑन सब्जिक्वेंट ईयर्स में अगर वापस वो ही माइक्रो हमारी बॉडी को फिर से अगेन इन्वेड करते हैं ठीक है तो क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है एज ए और कि वो मेमोरी बेस्ड होती है इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारी वो मेमोरी बेस्ड होती है <coughs> गेटिंग माई वर्ड्स सो वॉट हैपिनस वो ये कि हमारी बॉडी जो है तुरंत उसे रिकोगनाइज़ज़ कर लेती है कि किस टाइप का वो ऑर्गेनिज्म है और किस तरह की एंटीबॉडीज बनानी है ठीक है तो वो उन एंटीबॉडीज़ को फास्टेस्ट मैनर में बनाती है और फास्टेस्ट मैनर में बना करके उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल ऑफ़ कर देती है गेटिंग माई वर्ड्स क्लियर सो दैट इज़ हाउ आर बॉडी इम्यूनिटी वर्कस अप क्लियर यानी यहाँ पर वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हो जाता है ठीक है नेक्स्ट हो जाता है इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ अर बॉडी टू रेजिस्ट द डिजीज इट कैन बी इनबॉर्न और अक्वायर्ड आफ्टर बर्थ ठीक है यहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं व्हाट इज द इम्यूनिटी ऑफ अर बॉडी इम्यूनिटी कुछ भी नहीं है इम्यूनिटी इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स वेरियस डिजीजेस ठीक है यानी हमारी बॉडी की कैपेसिटी है टू फाइट अप अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस उस कैपेसिटी को हम बोलते हैं व्हाट टू से इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी ठीक है, uh, uh, है इम्यूनिटी दो तरह से हो सकती है इट कैन आइदर बी इनबॉर्न इनबॉर्न भी होती है ठीक है और इट कैन बी आइदर अक्वायर्ड आफ्टर बर्थ अक्वायर्ड आफ्टर बर्थ का भी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको जैसे आपको एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया या चिकन पॉक्स हो गया ठीक है अगर आपको आपकी लाइफ टाइम में एक बार हो गया तो वो दोबारा नहीं होता है दोबारा क्यों नहीं होता है उसके पीछे का रीज़न यही है कि एक बार आपकी बॉडी में स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स के जो भी माइक्रोव्स हैं एंटर कर गए हैं तो हमारी बॉडी उन्हें क्या कर लेती है पहचान लेती है कि अच्छा दीज आर द माइक्रो ऑर्गेजम्स विच आर गोइंग तो टू प्रोड्यूस स्मॉल पॉक्स और अदर चिकन पॉक्स ठीक है और फिर वो उनके प्रति एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है और सिर्फ एंटीबॉडीज़ ही प्रोड्यूस नहीं करती है वो उन्हें मेमोराइज़ कर लेती है ठीक है हमारी इम्यूनिटी जो है मेमोरी बेस्ड होती है एंड अगेन आई एम से ठीक है मेमोराइज़ कर लेती है और फर्दर जब कभी इन्वेजन होता है यानी फदर जब कभी स्मॉल पॉक्स को और चिकन पॉक्स को कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गनिज्म जब हमारी बॉडी में इन्वेड कर जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है उन्हें फास्ट मैनर में वॉट से डिटेक्ट कर लेती है रिकोगनाइज़ कर लेती है और रिकोगनाइज़ज करने के बाद उनके प्रति जो एंटीबॉडीज़ पहले बनाई थी वही एंटीबॉडीज़ जो है फास्टेस्ट मैनर में बनाती हैं ठीक है और फास्टेस्ट मैनर में बनाने के बाद में उन्हें तुरंत किल ऑफ़ कर देती है इस वजह से वो डिजीज जो है अब हमें दोबारा नहीं होती है फर्स्ट जो है स्टेज पे तो होती है पहली बार जब हमारी बॉडी का कोई कंपार्टमेंट नहीं होता है तब तक तो होती है लेकिन सेकंड टाइम पे वो डिजीज हमें अकर नहीं होती है गेटिंग माई वर्ड्स क्लियर देन वैक्सीनेशन इज अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू अ हेल्दी पर्सन बाई वैक्सीन वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर या तो डी नेचर्ड प्रोटीन्स या वॉट टू से प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस ऑफ द माइक्रोब्स या डी वॉट टू से डी नेचर्ड माइक्रोब्स ठीक है या तो इनके प्रोडक्ट्स या इन्हीं को डेड माइक्रोब्स को ही हमारी बॉडी में एंटर करवाया जाता है ठीक है ये जो माइक्रोब्स हैं जब हमारी बॉडी में या इनके प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में जब एंटर करते हैं तो ये फॉरेन सब्सटेंसेस या एंटीजन की तरह रिएक्ट करते हैं ठीक है हमारी बॉडी के लिए और हमारी बॉडी क्या करती है इन एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करती है और उनके प्रति वैसी ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है ताकि वो उनसे लड़ सके इट कैन वॉर्ड ऑफ दोज एंटीजेंस ठीक है और उसके बाद में क्या होता है कि दोज माइक्रोव्स दे आर किल्ड ऑफ ठीक है सो so, हमारी बॉडी में अगर वैक्सीन्स के द्वारा किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या उनके प्रोडक्ट्स बॉडी में एंटर करवाए जाते हैं तो क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है उन्हें एंटीजन के फॉर्म में आइडेंटिफाई करेगी और वही एंटीबॉडीज़ <coughs> जो है प्रोड्यूस करेगी ठीक है वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में हमेशा रहेंगी और फिर कभी अगर फर्दर इन्वेजन होता है इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का तो हमारी बॉडीज में वो एंटीबॉडीज़ पहले से प्रेजेंट है और फास्टेस्ट मैनर में बनाई भी जा सकती हैं इसलिए हमारी बॉडी को इससे किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता इसी बेस पे जो है आपके वैक्सीन्स डेवलप होते हैं अभी भी कोरोना के लिए वैक्सीन डेवलप किया जा रहा है इट इज़ अ वेरी बर्निंग इशू राइट नाउ ठीक है देन लास्ट डिजीजेस लाइक पोलियो वैक्सीन सॉरी डिजीज़ लाइक पोलियो स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा हैव बीन टोटली टोटली क्योर्ड बाई वैक्सीनेशन ऐसी बहुत सारी डिजीज़ेस हैं जिनको हमने वैक्सीनेशन के बेसिस पे क्योर अप किया है आपको भी मालूम है कि राइट फ्रॉम योर बर्थ आप जब से छोटे बच्चे थे तब से लेकर के अपटिल फाइव ईयर्स ऑफ योर एज जो है आपको वेरियस टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स लग चुके हैं हर डिजीज़ के अलग अलग वैक्सीन्स हैं ठीक है जो कि आपको दिए जाते हैं ताकि फर्दर कभी भी आपको आपके लाइफ टाइम में वो पर्टिकुलर टाइप की डिजीज़ अकर ना हो ठीक है सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिवेंट द डिजीज एक तो है आपका जनरल मैथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस और दूसरा है आपका स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज स्पेसिफिक वे यानी किस पर्टिकुलर मैथड में हम अपनी बॉडी में से डिजीज को अकर होने से रोक सकते हैं गेटिंग माई वर्ड्स क्लियर सो दिस इज विद दिस वी जस्ट कंप्लीट ऑफ द चैप्टर इस चैप्टर में हमने सब चीजें टू से डिस्कस कर ली हैं ठीक है क्या क्या डिजीजेज होती हैं कैसी कैसी डिजीजेज होती हैं किस बेसिस पे डिजीजेस को पहचाना जा सकता है ठीक है पहचानने के बाद में उनका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है उनका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है एंड सो ऑन क्लियर सो स्टूडेंट्स काइंडली रीड अप द चैप्टर इट इज़ नॉट अ वेरी टफ चैप्टर बहुत ईजी गोइंग चैप्टर है ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है आपकी बुक में विथ सेवरल ऑफ द एग्जाम्पल्स बहुत सारे एक्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं आपको ठीक है सो so, उन सभी चीज़ों को रीड करिए और रीड करने के बाद में अगर आपको कोई डाउट्स हैं क्वेश्चन हैं क्वेरीज हैं देन काइंडली आस्क मी ठीक है एंड इवन स्टार्ट सबमिटिंग योर होमवर्क टू मी अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट काइंडली स्टार्ट सबमिटिंग योर होमवर्क टू मी ओके नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स क्लियर सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज हाउ मैनी टाइम्स सारे uh, नहीं हुए हैं हमारे ठीक है सो टॉकिंग अबाउट द इंटेक्स क्वेश्चन आर द आंसर्स टू द अबाउट क्वेश्चन सेम और स्टेट एनी टू कंडीशन इसेंशियल फॉर ई वाले मैंने आपसे डिस्कस कर लिए थे फोर्थ क्वेश्चन जो था दैट इज लिस्ट एनी थ्री रीजन वाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक एंड ऑट टू सी यॉक्टर इफ ओनली वन ऑफ दीज सिमटम्स वर प्रेजेंट वुड यू स्टिल गो टू द डॉक्टर कॉमन सिम्टम्स विच इंडिकेट सिकनेस जो है एक तो होता है आपका फीवर दूसरा है लॉस ऑफ एपिटाइट तीसरा है लूज मोशन ठीक है इनमें से कोई भी सिम्टम दिखने पर हमें डॉक्टर को विजिट करना चाहिए देन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लेजेंट ठीक है जॉन्डेस का जो केस है इट इज़ मोर लाइकली टू बी प्रेजेंट बिकॉज जॉन्डेस इज़ अ क्रॉनिक डिजीज एंड टेक्स लॉन्ग टाइम टू बी क्योर्ड

नेक्स्ट जो है आपका वॉट आर द टू डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड यहाँ आ जाएगा आपका द टू डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड आर एस फॉलोज एयर बाय स्नीजिंग और कॉफिंग लाइक लिटिल ड्रॉपलेट्स आर थ्रोन विच थ्रू एयर रीचेज टू अनादर पर्सन ठीक है नेक्स्ट हो जाएगा वाटर कंटेमिनेटेड वाटर कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स विच कॉज इंफेक्शन ऑफ सर्टेन डिजीजेज एग्जाम्पल है आपका कॉलेरा ठीक है एयर एयरबॉन्ड का आ जाएगा आपका कॉमन कोल्ड और वाटर बॉन्ड डिजीज का आ जाएगा आपका कॉलेरा देन वॉट प्रिकॉशंस कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन इन्फेक्शियस डिजीजेस ठीक है टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस वी शुड अरेंज वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन ठीक है वी शुड प्रोवाइड हाइजीनिक कंडीशन इन द स्कूल ठीक है We uh, the school premises should be cl kept clean safe drinking water should be provided to the students disposal of the garbage should be properly done no water should be allowed to accumulate anywhere and insecticides should be used from time to time to kill the microbes okay then what is immunization so the introduction of any kind of the germs antigens or microbes into the body of a living organism by vaccination to activate the immune system against a particular infection or a disease is called as immunization. Okay? Next, jo hai, what are the immunization programs available at the nearest health center in your locality? Which of these diseases are the major health problem in your areas? Immunization program vaccination against smallpox, BCG vaccination against tuberculosis, third, hai, polio drops against polio disease.

विच वर इलनेस विच वर द इलनेस थिंक ऑफ वन चेंज यू कैन मेक इन योर हैबिट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी वन ऑफ योर हैबिट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी वन ऑफ द मोस्ट एनी ऑफ द अबाउ इलनेस ठीक है थिंक ऑफ वन चेंज यू वुड विश फॉर इन योर सराउंडिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी ऑफ द वट टू से अबाउ इलनेस आप जितने भी बारे बीमार पड़े हैं आप अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग आंसर दे दीजिएगा ठीक है सपोजिटली आई वॉज इल फॉर ट्वाइस इन अ ईयर मैं दो बार बीमार हुई हूँ द डिजीज वर वायरल फीवर एंड कॉमन फ्लू ठीक है चेंज इन हैबिट्स चेंज इन हैबिट्स मैं एग्जाम्पल के बेसिस पे दे रही हूँ आप अपने फोन एग्जाम्पल के बेसिस पे दे, दे दीजिएगा ठीक है सो चेंज इन हैबिट्स टेकिंग केयर ऑफ आर ड्रिंकिंग वाटर टेकिंग केयर ऑफ आर सराउंडिंग्स एंड सी दैट इट इज़ क्लीन ठीक है टेक प्रॉपर नरिशिंग फूड नेक्स्ट जो है वन चेंज इन सराउंडिंग्स अवॉइड अक्यूमलेशन ऑफ द गार्बेज And stagnant water of our surroundings. Okay? So, next question is a doctor, nurse, or a health worker is exposed to more sick people than others in the community. Find out how she or he avoids getting sick herself or himself. Okay? A doctor, nurse, or a health worker exposed to more sick people avoids getting sick himself or herself by taking some medicines which can improve their इम्यून सिस्टम वो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेडिसन्स लेते हैं जो क्या करती है उनके इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करती है ठीक है दे वी आर ग्लव्स एंड मास्क टू प्रिवेंट फ्राम इन्फेक्शन प्रिवेंट देम फ्राम इन्फेक्शंस वो मास्क और ग्लव्स लगाते हैं ताकि उन्हें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो ठीक है देन कंडक्ट अ सर्वे इन योर नेबरहुड टू फाइंड आउट विच वॉट द थ्री मोस्ट कॉमन डिजीजेज आर सजेस्ट थ्री स्टेप्स दैट वुड टेकन दैट वुड बी टेकन बाय योर लोकल अथॉरिटीज़ to bring down the incidences of these diseases ठीक <takes throat> है सो so, यहाँ पर आ जाएगा आपका द थ्री मोस्ट कॉमन डिजीजेस जो मोस्ट कॉमन होती हैं वो हैं जॉन्डिस है कॉमन कोल्ड है और टाइफाइड है थ्री स्टेप्स जो लोकल अथॉरिटीज के द्वारा लिए जाने चाहिए दैट इज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड हेल्थ एजुकेशन टू पीपल प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू द पीपल ठीक है देन फोर्थ अ बेबी इज नॉट एबल टू टेल हर और हिज केयर टेकर्स डैट ही और शी इज सि वॉट वुड हेल्पअस टू फाइंड आउट दैट द बेबी इज सिंड वॉट इज़ sickness सिकनेस ठीक है हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एक छोटा बेबी है उसे किस तरह की कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है द फॉलोइंग सिम्टम्स वुड हेल्प to टू फाइंड आउट the द बेबी इज When द बेबी इज़ वेरी वेरी स्मॉल इट कीप्स ऑन क्राइंग अगर उसे किसी भी तरह की कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है बॉडी में देन द बेबी कंटिन्यूअसली क्राइज दैट द बेबी कीप्स क्राइंग सेकेंड है बेबी फील्स हॉट थर्ड है आइज स्टार्ट वॉटरिंग फोर्थ इज वॉमिट्स एंड डायरिया ठीक है सेकेंड जो आपका क्वेश्चन है वॉट इज द सिकनेस टू फाइंड द सिकनेस ही इज टेकन टू द डॉक्टर द डॉक्टर कंडक्ट सम टेस्ट एंड फ्रॉम द सिम्टम्स ही फाइंड द सिकनेस ठीक है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक वैन शी इज रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया

Chicken pox because due to the fasting, the immune system gets affected and therefore uh, be easily infected by the virus of chicken pox. Okay, uh, then next is under which of the following conditions are you most likely to fall sick when you are testing uh, when you are taking examinations? Next is when you have traveled by bus and train for two days. Okay, next day वेन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स वाई ठीक सो so, इसमें आपका आंसर आ जाएगा सी दैट वेन यूर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स वाई ठीक है वी आर मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक वैन आर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स मीजल्स इज अ कंटेगियस डिजीज एंड वी आर मोस्ट लाइकली टू गेट अफेक्टेड बाय द इन्फेक्शियस ऑफ मीजल्स इन्फेक्शियस माइक्रोब्स ऑफ मीजल्स

ठीक है वो सब आपको लेनी है निकालनी है और जब कभी भी हमारी नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग क्लास है उस लाइव स्ट्रीमिंग क्लास में आपको वो क्वेश्चन डाउट्स एंड क्वरीज बुद्ध पूछने हैं गेटिंग बाई वर्ड्स आपके साथ में मैं हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रही हूँ सो काइंडली डोंट आस्क मी ऑन द स्टडी बेस ऐप के मैम कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको हर चैप्टर अगर डिलीटेड पोर्शन है तो डिलीटेड पोर्शन के क्वेश्चन भी मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने के हैं गेटिंग माई वर्ड्स सो अगेन 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 एंड अगेन प्लीज़ डोंट आस्क मी कि मैम कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से क्वेश्चन नहीं करने आप मेरे यूट्यूब पर सारे के सारे वीडियोज़ आपके पास हैं उन यूट्यूब्स की वीडियोज़ को देखिए एंड अकॉर्डिंगली आप मेरे आ, उन वीडियोज़ को देखते हुए क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं गेटिंग माई वर्ड्स देर इज़ नो वॉट टू से प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर चैप्टर एंड अगेन दर इज अ रिमाइंडर बार बार आपको रिमाइंडर देना पड़ रहा है कि आप अपना होमवर्क सबमिट करना स्टार्ट करिए तीनों ही सेक्शंस में से हार्डली टेन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना होमवर्क भेजना स्टार्ट किया है ठीक है सो स्टार्ट सेंडिंग मी योर होमवर्क एज सू एज यू कैन क्लियर जितना जल्दी हो सके आप अपना होमवर्क मुझे भेजिए सो दैट आई कैन चेक दैम ऑन टाइम गेटिंग माई वर्ड्स सो थैंक यू स्टूडेंट्स